भारत जोड़ो यात्रा को आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। आज शुक्रवार है और यात्रा जो निकली है कन्याकुमारी से, जो कश्मीर तक जाएगी, आज उसके 100 दिन पूरे हो रहे हैं। म्यूजिकल इवेंट भी है जयपुर में, सुनिधि चौहान वहां पर परफॉर्म करेंगी। लेकिन 100 दिन तो पूरे हो गए भारत जोड़ो यात्रा के। इन 100 दिनों में जो यात्रा ही निकली, राहुल गांधी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार कई किलोमीटर वो चल चुके हैं, करीबन 2700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में पूरी कर चुके हैं। और अभी ये यात्रा राजस्थान के दौसा जिले में है और अभी भी कन्याकुमारी से ये जो यात्रा शुरू हुई है वो कश्मीर तक जाने बाकी है। इसके बाद यात्रा में ब्रेक भी होने वाला है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये 100 दिन का जो सफर है ये यूं ही नहीं खत्म हुआ। ये 100 दिन का सफर अपने आप में कांग्रेस कह रही है कि मील का पत्थर साबित हुई है। राहुल गांधी और उनके साथ जितने भी यात्री चल रहे हैं, क्या है उनका इस यात्रा में प्लान, क्या उनको जो इनकरेज कर रहा है, किस तरीके से वो यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो हम आपको आज बताएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के शुक्रवार को 100 दिन पूरे हो गए। राहुल गांधी शुक्रवार तक करीब 2735 किलोमीटर यात्रा भी पूरी कर चुके हैं और यात्रा अभी 7वें राज्य यानी कि राजस्थान और रूट के 36वें जिले दौसा में है। राजस्थान में यही ऐसा जिला है जहां रूट सर्वाधिक 3 मंत्रियों के क्षेत्र से निकल रहा है। यात्रा में प्रदेश के 10 यात्रियों सहित देश भर के 119 यात्री हैं। जानकारी के मुताबिक जब सप्ताह में यात्रा में विराम लिया जाता है तो उस दिन यात्री भरपूर नींद लेते हैं और कुछ गेम्स भी खेलते हैं। आई ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा जो कि कश्मीर में जाकर खत्म होगी, उसमें किन किन राज्यों में कांग्रेस के नेता आखिर कितने किलोमीटर का सफर अब तक तय कर चुके हैं। केरल की बात करें तो केरल में भारत जोड़ो यात्रा ने 440 किलोमीटर का सफर तय किया, तमिलनाडु में 280 किलोमीटर, कर्नाटक में 511 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 350 किलोमीटर, तेलंगाना में 366 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 382 किलोमीटर यात्रा पूरी कर चुकी है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 352 और राजस्थान में 520 यानी सर्वाधिक यहीं पर सबसे ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा चली है। जब यात्रा इतनी किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है तो फिर आखिर खुद को नेता फिट कैसे रख पा रहे हैं, इसे भी जानना जरूरी है। आइए हम आपको बताते हैं। राहुल और 119 भारत यात्रियों की डाइट में एनर्जी के लिए भुने हुए चने और नींबू पानी होते हैं। राहुल चलते हुए भी नींबू पानी पी लेते हैं। यात्रियों को सुबह शाम दोपहर को कीवी सेब और बाकी अन्य फल भी दिए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक लाइब्रेरी का भी एक अलग ही कंटेनर है, इसमें 1000 किताबें हैं जो कि दोनों भाषाओं यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में है। चलती फिरती लाइब्रेरी में राजनीति, इतिहास, धर्म, संस्कृति, पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशनल बुक्स हैं। जब यात्रा रात्र को विश्राम करती है तो वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप मैच भी यात्रियों को दिखाए जाते हैं और इसमें खुद राहुल गांधी भी रहते हैं।